ये आज ही स्कॉलर रोजरी के पेपर में आया, तो ये क्वेश्चन भी हमने पहले डिस्कस किया हुआ था। कॉस्ट ऑफ 3 kg ऑफ वेट इज रुपीज 240। 3 kg वेट लेते तो 240 रुपीज खर्च करने पड़ते हैं, ठीक है, कॉस्ट इन रुपीज, ठीक है। तो एक्स हमने क्वांटिटी ले ली, वाई हमने कॉस्ट इन रुपीज ले ली। तो कह रहा है कॉस्ट ऑफ 2 क्विंटल। अब 2 क्विंटल ना हमें पेपर में लिख के आने पड़ेगा। क्या 1 क्विंटल क्या होता है बेटा? 100 kg 1 क्विंटल 100 kg होता है, तो 2 क्विंटल कितना हुआ बताइए बेटा, 200 kg ठीक है। 2 क्विंटल कितना हुआ? 200 kg। बेटा जितना वीट लोगे उतना ही तो पैसा खर्च करना पड़ेगा आपको, है ना। तो ये डायरेक्ट वेरिएशन है या इन्वर्स वेरिएशन है? डायरेक्ट वेरिएशन है, तो डायरेक्ट हम क्या लिख देंगे, क्वांटिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस्ट, ठीक है। यहां तक आया समझ? उसके बाद जब डायरेक्ट वेरिएशन होता है तो बेटा क्या होता है, X1 by Y1 इज इक्वल टू X2 by Y2। ये कर देंगे हम। अब इसको थोड़ा स्पेस बना लेते हैं अपने लिए, स्पेस की कमी हो रही है हमारे पास। तो हम ये भी कह सकते हैं जो हमारी कॉस्ट है वो किस बात पे डिपेंड कर रही है, क्वांटिटी पे। जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ती जाएगी कॉस्ट बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे क्वांटिटी कम होती जाएगी तो कॉस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी, ठीक है। बोलो यहां तक आ गया समझ? तो क्या मैं कह सकता हूँ X1 by Y1 इज इक्वल टू X2। X2 क्या है, 2 क्विंटल मतलब 200 upon Y2। तो ये 80 पे कट हो गया, और 80 into 200 कितना हुआ बेटा, 1600, 16,000। तो 16,000 रुपीज आंसर आ गया। किसी को कोई डाउट हो तो बता दो, ठीक है ना। कोई डाउट नहीं है, थैंक यू।